friends, how are you everyone? Hi. So kids, today we will be do in maths pattern. But जो pattern हम जब सीखते हैं तब हम number सीखते हैं. जब pattern हमें लिखना आता है तब हमें numbers इससे related हम numbers सीखते हैं. तो सबसे पहले हमें pattern सीखना होता है. जैसे कि हमने standing line सीखा, sleeping line सीखा, slanting line सीखा और उससे related हमने बहुत सारे numbers भी सीखे. आज हम लोग पैटर्न में कर्व सीखने वाले हैं जो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तक जाता है. तो सबसे पहले हम देखिए, हमने यहाँ पर कुछ ग्रिड ड्रॉ किए हुए हैं, बॉक्सेस है जैसे कि हमारे मैथ्स की बुक में. अब इसे हमें किस तरह से लिखना है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, अप एंड डाउन लाइन. हमें यहाँ पर क्या करना है, डॉट. सबसे पहले हम डॉट करेंगे और इस डॉट को हम हल्के से कर्व में जोड़ देंगे, यानी वन डॉट टू सेकेंड डॉट. ओके, इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे. फिर से एक बार देखिए, आपको जो डॉट दिए हुए उसको क्या करना है, हल्का सा टर्न करके बड़ा सा बिग वन कर्व एंड जॉइन फर्स्ट लाइन टू सेकेंड लाइन. फर्स्ट गेट सी डॉट टू डॉट, आप इतना बड़ा डॉट जॉइन कीजिए कि यहाँ हमने ये सीखा है जो कर्व इसे क्या बन जाता है, नंबर टू. नंबर टू जो कर्व एंड स्लिपिंग लाइन, जैसे कि बिग वन कर्व एंड स्लिपिंग लाइन. जो नेक्स्ट टाइम हम इसे सीखने वाले, तो इसके लिए हमें ये कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है. सो हम करेंगे इसे इस तरह से डॉट टू डॉट जाए. ओके, नाउ सेकेंड लाइन. अब हम उल्टी तरफ जाएंगे, जो हमने दोनों तरफ डॉट किया है हम उल्टी तरफ कर्व करेंगे इस तरह से. ओके, सो हम क्या नंबर सीखेंगे आप गेस कीजिए, जो कि हम अपोजिट साइड जा रहे हैं, इस तरफ का टर्न है, ये अलग तरफ टर्न है. तो हम कौन सा नंबर सीखने जाएंगे, आप कुछ आप गेस कर रहे हो. यहाँ पर एक डॉट से दूसरे डॉट, दो डॉट आपको बना के देने हैं पेरेंट्स और बच्चों को इस कर्व को जोड़ना है लाइन टू लाइन. ओके, सो हम कौन सा नंबर यहाँ पर हम करने जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर जो कर्व किया है यहाँ से बन गया नंबर टू और जो नीचे हमने अपोजिट साइड में कर्व किया है यहाँ बन जाता है नंबर सिक्स, है ना. तो हम नंबर टू और नंबर सिक्स जो प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये कर्व करना बहुत जरूरी है. बच्चों आपको ये जो कर्व है ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पूरा करना है. ओके बच्चों, तो ये पूरा कीजिए और हमें सही